बीसीसीएल एरिया 3 के ब्लॉक 4 परियोजना में खदान तकनीकी कर्मी के पद पर कार्यरत कर्मी वरुणाशीष चटर्जी, जिनकी माने तो इन्हें समय से लगभग 5 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्ति की चिट्ठी दे दी गई और इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। संबंधित कागजात दिखाते हुए यह बताया गया कि इनका जन्मदिन 18/5/1966 है, जबकि प्रबंधन के पास सुरक्षित किसी दस्तावेज में 18/5/1961 दर्ज किया गया। मामले की प्रबंधन की कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए कई बार पत्र देकर उचित जांच की मांग की गई, पर अब तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सेवानिवृत्ति के लगभग 6 महीने बीत जाने पर भी अब तक भुक्तभोगी को न्याय नहीं मिला। वरुणाशीष चटर्जी का मुद्दा जन्म तिथि सुधारने के विषय से संबंधित है। इन्होंने पहले जो आवेदन दिए थे वो था कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पे उनके जन्म तिथि सुधार किया जाए, वो भी बहुत दिन बाद, जबकि बहुत सारे फॉर्म में उस कैंडिडेट की अपनी दस्तखत होती है जिससे उनकी जानकारी मिलती है, जैसे CMPF हुआ, जैसे NEIS की डाटा हुआ, जैसे और सारे मुद्दे रहते हैं जहाँ जहाँ उनको जन्म तिथि लिखना पड़ता है, फॉर्म बी में भी जन्म तिथि लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर के जब वो संज्ञान में आया कि मैट्रिकुलेशन के आधार के जन्मतिथि सुधारने चाहिए, तो उसमें इनके तालमेल नहीं बैठ पाई जो हमारे पास रिकॉर्ड है और इनके जो मांग था, तो तदनुसार ये निष्पादन नहीं हो पाई। अब है कि हम लोग ने इन दी मीन टाइम सब रिकॉर्ड को हम लोग शॉर्ट ये में लाया है कंप्यूटर में, ताकि तत्क्षणात सबको सूचना मिल सके। इसी आधार पे NEIS की जन्म हुआ जिसमें आंकड़े डाला गया है। ये मुद्दा ये है इसके केस में कि वहाँ जो जन्मतिथि दर्ज हुआ वो रिकॉर्ड के जन्मतिथि से थोड़ा अलग हो गया है, तो इस संबंध में हम लोग सक्षम अनुमोदन के लिए प्रस्तावना क्षेत्रीय कार्यालय से मुख्यालय में भेजे हैं या भी विचाराधीन है। ऐसा केस में हम लोग ये सूचना हमारे सभी संबंधित ट्रेड यूनियन नेता को भी बताया है और इनके विचार करने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। ऐसी हालत में भूख हड़ताल करने की मांग सही नहीं है, क्योंकि हम उसको उसी हिसाब से सपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरा मुद्दा यही है और इसमें हमारे विचार से कि जल्द से जल्द इसके समाधान आने। इस मामले में स्थानीय श्रमिक और उनके यूनियन में काफी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही आज यूनियन प्रतिनिधि जो BCCL क्षेत्रीय सलाहकार समिति सदस्यों ने एक बैठक कर प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की रणनीति तय की है। साथ ही भुक्तभोगी वरुणाशीष ने अपने कार्यस्थल पर 13 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। वहीं मामले में एरिया 3 के महाप्रबंधक GS साहा ने कहा कि मामला संज्ञान में है, प्रबंधन के पास जो भी संबंधित दस्तावेज है उन सभी दस्तावेजों में दर्ज जन्मदिन आपस में अलग अलग है, जिसे भुक्तभोगी कर्मी ने समय रहते सुधार करवाने का प्रयास नहीं किया। चूंकि मामला काफी पुराना है उचित कार्रवाई में समय लग सकता है, ऐसे में भुक्तभोगी द्वारा भूख हड़ताल करना सही फैसला नहीं। साथ ही यह भी कहा कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा संबंधित उच्चाधिकारी को लिखित जांच रिपोर्ट सौंप दिया गया है, उचित आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। आज मुख्य उद्देश्य ये है कि गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के ACCI के संयुक्त रूप से ये बैठक इस मुद्दे पर हुआ कि ब्लॉक 4 में कार्यरत श्री वरुणाशीष चटर्जी मैकेनिकल फॉरमैन, जिसका जन्म तिथि कोलियरी दस्तावेज में 18/5/1966 है, लेकिन प्रबंधन गलत तरीके से उसको 5 साल पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिसको हम लोग जांच उपरांत ये पाए कि वरुणाशीष चटर्जी के साथ प्रबंधन ने अन्याय किया है, इसको समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया है, इसलिए इन्होंने आपका 13/7/21 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ये आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके समर्थन में गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के सभी यूनियन के संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य इसके आंदोलन को समर्थन करने के लिए आज का बैठक का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से प्रबंधन की त्रुटि हुई है और त्रुटि ये है
त्रुटि नहीं है, ये महागलती उनका है कि जब कोई कर्मी का नियुक्ति के पूर्व उसका मेडिकल होता है और मेडिकल में बोर्ड द्वारा उसका डेट उम्र निर्धारित किया जाता है और उसमें श्री वरुणाशीष चटर्जी का उम्र निर्धारित किया गया 18/5/1966। उसके बाद कोलियरी में बी फार्म बनता है, उस बी फार्म में भी इनका जन्मतिथि 18/5/1966 है। उसके बाद सेवा अभिलेख जो बनता है, सेवा अभिलेख में भी इनका वो जन्मतिथि 18/5/1966 है। निश्चित रूप से हम लोग तो ये मांग करते हैं और मांग किए भी हैं कि आखिर हमारे पास दस्तावेज है 18/5/1966 का, आपने किस दस्तावेज के आधार पर 61 मान करके इसको बैठा दिए और इसका दोषी कौन है उसका जांच करके किसके द्वारा ये 61 दर्ज किया गया, क्यों हुआ, उसका आधार क्या है, उस आधार का जांच करें और इस तरह का जो गलती किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के सभी सलाहकार समिति के सदस्य एकजुट होकर के आज यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें ब्लॉक 4 में कार्यरत श्री वरुणाशीष चटर्जी, जिनको कि 26 में रिटायर करना था जून 26 में, लेकिन मैनेजमेंट अपनी गलती से हठ धर्मिता के साथ अपने दस्तावेज को न मानते हुए केवल एनईआईएस के आधार पर इसको 5 साल पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। हम लोगों का ये डिमांड है कि आप अपना दस्तावेज को नहीं मान रहे हैं, एनईआईएस को मतलब मान रहे हैं, तो एनईआईएस में 18/5/1961 कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति किस से हुई, किस आदमी ने वो उत्पत्ति किया, उस पर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई हो। और ये हमारे वर्तमान डीपी साहब का डिक्टेटरशिप है कि जानबूझकर मतलब कर्मियों को परेशान करना, उनको तरह तरह का मतलब जो है समूचा डॉक्यूमेंट्स एक एक करके मांग करके समूचा इनका रिव्यू किया गया और लास्ट में मतलब इसको रिग्रेट कर दिया गया, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इनके विरोध में, इनके साथ में, हम कंपनी के विरोध में इनके साथ में 13-7 के भूख हड़ताल में हम लोग सम्मिलित रहेंगे और आगे आर पार की लड़ाई के लिए भी हम लोग समर्पित हैं, चाहे प्रेषण का हो मामला हो, उत्पादन का मामला हो, कुछ भी तरह का मामला हो, हम लोग इसके साथ हैं और जब तक इसकी मैंने कार्रवाई संपूर्ण रूप से नहीं हो पाती है तब तक हम लोग इसमें लगे रहेंगे। इतना